आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन तो आ चुका है, शायद आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा, बट इस वीडियो में आपको मैं पूरा जानकारी दूंगा और एक गुड न्यूज़ भी है। बहुत ज़्यादा एक बड़ा बदलाव हुआ है, बड़ा बदलाव है इसमें, बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे उसकी वजह से। एंड आरआरबी ने बिल्कुल सही किया है मेरे को लगता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मेरे को बोले थे इसके बारे में कि सर टाइम हमें मिलना चाहिए, किसके वजह से बताऊँगा भी आगे जाके। सो 2024 का आया है, सो 3 साल से बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे टीचर बता रहे थे। मैंने बोला था भाई अभी नहीं आएगा, आएगा तो दिसंबर में आएगा 2023 के, या फिर 24 में आएगा। तो 8 महीना लेट आया है जो मैंने बोला था, क्योंकि इन जनरल वैसे आता था पिछले 15-20 साल से मैं देख रहा था। ठीक है, बात करते हैं अब स्टार्टिंग से। तो ओपनिंग डेट कब है आपका? 30/7 को ओपनिंग डेट है, और जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ लास्ट डेट क्या है आपका? 29/8 है। जो भी वीडियो आपको चाहिए इससे रिलेटेड आप मेरे को बोलना, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको जरूर ज्वाइन कर लो, बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको दूंगा। कोर्सेज भी लॉन्च होगा कल, बिकॉज पूरा कंप्लीट कोर्स देंगे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, मे बी 200-300 रुपया में, जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा है। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे कल आपका, पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज देंगे 200 रुपया में, जो मार्केट में कोई दे नहीं रहा है। और अगर दोनों कोई बाय करता है कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज, तो भाई उसको 400 में दे देंगे अपन दोनों चीज़। ऐसा हम करने वाले हैं, तो आप वेट करिए कल तक का, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेहतरीन प्रिपरेशन करवाऊंगा। बिकॉज मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरे काफ़ी बच्चे लास्ट टाइम जब आया था 2019 में, बच्चों का जॉब लग चुका है काफ़ी बच्चों का, तो इसीलिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है ये सेशन। तो यहाँ पर देखिए डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो, सो एक करेक्शन, गलतियाँ होता क्यों है? बिकॉज बच्चे जब फॉर्म भरते हैं मोबाइल से भर लेते हैं, हड़बड़ियाँ भरते हैं, प्रूफ रीड नहीं करते हैं जो लिखे हैं, इसीलिए गलती होता है। और जब टाइमिंग क्या होता है, 30/8 से लेके 8/9 तक आपका टाइमिंग है बेसिकली, किसके लिए भाई साहब? एक करेक्शन के लिए। ओके, सैलरी कितना मिलेगा देख लीजिए। देखो इनिशियल पे जो है आपका लेवल 6 मिलता है, किसके लिए? जेई के लिए। मैक्सिमम लोग इसी के लिए एलिजिबल होंगे, बीटेक वाले, इसके में कुछ कुछ एलिजिबल हैं वो बताऊंगा मैं आपको। ये लेवल 7 का होता है कितना? 44,900 का, और इधर क्या होता है? 35,400 इनिशियल पे होता है। तो अगर सब कुछ मिला लोगे मेरे को लगता है 50+ जाएगा सैलरी, ठीक है? बिकॉज SSC JEE का लगभग 52-55 हज़ार सैलरी इन्हें आता है, जो हमारे नोन के, हमारे बच्चों के जॉब लगा है उनके तरफ से ये डेटा मेरे पास आया है। और मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो मेडिकल स्टैंडर्ड को देखना, मैं आज दिखाऊंगा उसके बारे में। उम्र जो बताया था आपको मैंने, जो चेंजेस आया है भाई साहब, 36 साल मैक्सिमम एज तक फॉर्म भर सकता है, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं, 3 साल बढ़ गया है। और ये 3 ईयर्स क्यों एक्सटेंशन उन्होंने दिया है? बिकॉज ऑफ क्या भाई साहब? बिकॉज ऑफ कोविड। ये काफी अच्छा काम किया, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे और इसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है? जी में कितना वैकेंसीज है? 7,934 कम वैकेंसी है एज कंपेयर टू लास्ट टाइम। ओके, एंड इसमें जो वैकेंसीज है, ये जो आपका है केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेट्रोलॉजी सुपरवाइजर एंड रिसर्च, कितना? 17 वैकेंसी है, सिर्फ आरआरबी गोरखपुर में वैकेंसी है और कहीं है नहीं वैकेंसीज का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हमारा। सो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सारे बच्चे इसमें अटक जाएंगे मुझे पता है, कुछ कुछ कॉलेजेस में इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता है, अगस्त के एंड तक रिजल्ट आता है। मैं जिस कॉलेज से पढ़ा था उसमें 22 अगस्त को जितना मेरे को याद है रिजल्ट आया था, तो आपको वेट करना पड़ेगा, और कोई है नहीं आपके पास ऑप्शन। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो आप वेट, रिजल्ट का वेट करो, और अगर आप ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पर आप जानते हैं, वहां पर मेल करिए, फोन करिए, खुद जाइए, बोले रिजल्ट जल्दी दीजिए हमें फॉर्म भरना है, तब हो सकता है वो थोड़ा सा जल्द में काम करते हैं, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी हर साल मिलता नहीं है। हाँ, मिनिस्टर लोगों ने बोला है और रेलवे वालों ने बोला कि हर साल हम निकालेंगे रेलवे के वैकेंसीज, अब 5 साल में एक बार नहीं, लेट्स सी क्या होता है, बट अभी तक 5 साल में एक बार ही निकल रहा है, पिछले 20 साल से देख रहा हूं मैं। 2008-09 में एक बार आया था, 2014-15 में, 14-13-14 में एक आया एक बार, उसके बाद 19 में, 18-19 में आया, फिर ये 24 में आया है, देख लीजिए आप, ठीक है? ये आपको समझ में आया? ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे,
क्या ओनली वन अरबी एंड ओनली वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं, ज्यादा नहीं भर सकते हैं. शुड बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट फॉर एनी और ऑल ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट. एक ही आप फॉर्म भर सकते हैं. सो द सिलेक्शन ऑफ अरबी वंस एक्सरसाइज्ड शैल बी फाइनल. एप्लीकेशन टू मोर देन वन अरबी विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस. ये इंपॉर्टेंट है. दो चार पांच एप्लीकेशन मत बनना, बिकॉज जिन बच्चों को पता है क्या बोलना चाह रहा है कि जिस जोन से भर रहे हो उसी एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल जोन से अप्लाई नहीं कर सकते हो. अगर ऐसा करते हैं तो सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है. ठीक है, ये मत करना भाई. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं. ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा. ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबको लाई नहीं करता है. सो ये सारे आपको सही देना है चीज़ें, मेडिकली फिट रहना है. बताऊंगा आपको पे स्केल, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर बता रखा है, इनिशियल पे कितना आएगा, स्टेजेस कितने होंगे एग्जाम के, मैं आपको बता देता हूँ. पहले जो था वही है. यहाँ पर क्या होगा, टू स्टेजेस होंगे, सीवीटी वन एंड सीवीटी टू. उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन. एक हमारे साथ काम करती थी, अभी आरबी जेई में उनका हो गया है, टॉप टेस्ट सीरीज में उनके कोर्सेस हैं, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के का, वही लगभग आपका आरबी में काम आएगा. एसएससी जेई के लिए हमने उसको बनाया था. ठीक है, सो उनका हुआ नहीं था, सब कुछ हो गया उनका, इसमें वो अटक गई थी, आईज के प्रॉब्लम थे उनके इसके वजह से. और इसमें खाली एक कैंडिडेट नहीं, और एक हमारे नोन के थे, इनका पीएसयू में हो गया था, सब कुछ हो गया, बट आईज के वजह से उनका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ. तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सीवीटी टू शैल बी नॉर्मली डन एट 15 टाइम्स, 15 गुना. मतलब एक पोस्ट के लिए 15 बच्चे को क्या करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे आरआरबी सीवीटी टू के लिए, ये याद रखना. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ये नॉर्मलाइज मार्क्स है. ठीक है, अब यहाँ पर मोबाइल नंबर खुद के देना है. नेगेटिव मार्किंग कितना होगा देख लीजिए, ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है. एसएससी जेई में क्या था, 1/4, शुरू में बोला 1/3 करेंगे फिर 1/4 कर दिया, यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है. सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है. और कुछ प्रॉब्लम अगर आता है, आपको किसी चीज़ में डाउट आ रहा है मुझे बोलना, मैं आपको बता दूंगा हर चीज़ के बारे में. सो कैसे फॉर्म बनना है, ट्रेन टिकट फैसिलिटी सबको नहीं मिलता है, कैटेगरी वालों को मिलता है. अगर आप ओरिजिनल एससी कमेटी से हैं है ना, ये उनके लिए है. बट उसके लिए आपको पहले से ही क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल अथॉरिटी को करेक्ट नेम और बाकी कुछ देना पड़ेगा, फिर ये मिलता है. ठीक है, और आरआरबी ये तो चीज़ें सब लिखते हैं भाई, आरआरबी के हाथ में सब कुछ है. अब बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल फिटनेस क्या होना चाहिए, जो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर रहा था. तो मोस्टली यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या होता है, आइज का इम्पोर्टेंट, विजन स्टैंडर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते, बिकॉज एक बार होने के बाद अगर मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका नहीं हो पाता है, बड़ा बुरा लगता है, वो फेस बहुत ख़राब जाता है. बिकॉज ऐसे मैंने दो लोगों के साथ ऐसे होते देखा है, जब नहीं हुआ तो उनका फ़ोन मेरे पास आया, तो उनकी बातों में एक अलग तरह का डीमोटिवेशन, काफ़ी अलग ही लेवल का था. तो मैं सबको बोलता हूँ, बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम मेडिकल स्टैंडर्ड अपना चेक कर लीजिए, क्या आप एलिजिबल हैं, अगर हैं तभी प्रिपरेशन करिए, नहीं तो अपना एनर्जी इतना लगाने का फ़ायदा क्या है, बाद में होगा ही नहीं. हाँ, आपको अगर टीचर बनना है आगे जाके, आप दिखाओगे मैंने क्वालिफाई किया था, तो अलग बात है. अदरवाइज बिकॉज फिर बच्चे आएंगे आपके पास, हाँ आरआरबी जेई क्वालिफाई कर रखा है. ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मेडिकल फिटनेस है, A3, B1, B2 एंड C1. ये सारे विजन का बेसिकली है. और मेनली प्रॉब्लम किस में होता है आपको बताया था, कलर विजन में मेनली प्रॉब्लम होता है बहुत सारे बच्चों का, पता नहीं होता है कलर ब्लाइंडनेस का है प्रॉब्लम. एक के साथ ऐसा हुआ था, उसको पता नहीं था उसको कलर ब्लाइंडनेस है थोड़ा सा, तो इसलिए वो काफ़ी अच्छा खराब मोमेंट था. तो पहले से ही ये सब चेक करवा लो, बढ़िया रहेगा. और टेलीग्राम चैनल पर क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पर सारे ऑफर्स आपको मिलेंगे. जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर क्या है ना, ये पहले था, अभी क्या है ना, ये हो गया 36 साल तक हो गया है, काफ़ी अच्छा है. ये इसलिए हुआ है, टू प्रोवाइड रिलीफ टू मेनी कैंडिडेट्स हु मे हैव एक्सीडेड द एज लिमिट एंड मिस द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन रेलवे रिक्रूटमेंट ड्यू टू कोविड 19 पैंडेमिक.
काफ़ी अच्छा स्टेप है रेलवे की तरफ से, इसको मानता हूँ मैं, ठीक है। बट वैकेंसीज कम आया भाई, तो यहाँ पर बोल रखा है यू आर का, ई डब्ल्यू एस का, ओ बी सी, एन सी एल का, एस सी एस टी का, और ऑल कैंडिडेट्स का क्या है लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इतना, इससे मतलब नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। मतलब अगर कोई 02/01/2007 पैदा हुआ है तो एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और बाकी एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं आपका सिस्टम, मतलब कैसे कैसे है आपका, देख सकते हो यहाँ पर कितने कितने इन्होंने एज डाल रखा है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर इसकी हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं फीस कितना है। फीस भैया, सो फीस देखो इन जनरल फीस होता है 500, बट 400 रुपये आपको क्या होता है रिफंड मिल जाता है अगर आप सीबीटी 1 के एग्जाम में खाली बैठते हो। ये सबके लिए है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसे आप अगर फीमेल हैं, एक्स सर्विस मैन में रेलवे काम करते हैं, जैसे मेरा दोस्त काम करता है फॉर्म भरेगा, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिक बैकवर्ड, ईबीसी हैं, उसके बाद शुड नॉट बी कन्फ्यूज ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस नहीं अलग है, तो उनको 250 रुपया देना है। बट ये सारा कुछ रिफंड हो जाएगा पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज सीबीटी का एग्जाम का देते ही आपको मिल जाएगा। बट इसमें फॉर्म के टाइम आपका बैंक डिटेल्स अच्छी तरीके से भरना, वो गलत है फिर पैसे वापस नहीं आएगा, पहले बता देता हूँ मैं, तो अच्छे से उसको भरना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट होगा भाई, इसका क्या करना है। माइनॉरिटीज़ में कौन कौन आते हैं, देखो माइनॉरिटीज़ शैल इंक्लूड मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, ज़ोरोस्ट्रियंस, मतलब क्या पारसीस, सब्जेक्ट टू रिविजन, डिलीशन, इंक्लूजन और इफ एनी रिसीव टिल द लास्ट सबमिशन ऑनलाइन, इतना, ये सब बेसिकली उसका डेफिनेशन है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कौन है, आप देखिए यहां पर यह चीज आपको देखना है। सो नेक्स्ट रिफंड फीस आपका देख लिया यहां पर, वो देना पड़ेगा, बताया था मैंने कितना आएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ कौन सा बेस्ट जोन हो सकता है, डोंट वरी, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, तो आपको पता लगेगा। अभी तो ये वीडियो है, टेस्ट सीरीज और कोर्स कल हम देंगे आपको, और बहुत सारे ये रिकॉर्डेड कोर्स होगा, टेस्ट सीरीज तो रिकॉर्डेड ही होते हैं सारे, लाइव टेस्ट सीरीज का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एनओसी होना चाहिए एम्प्लॉयर से अगर जॉब कर रहे हैं किसी सरकारी जॉब में। ये देखिए आप यहाँ पर स्टेप्स क्या है, मेनली दो स्टेप है, बाकी तो भाई इतना प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, अब तक हमें पता लगा दो स्टेप्स होता है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, और एक क्या पता लगा आपको भाई नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। अब आगे क्या पता लगे देखिए, स्टेज 1 सीबीटी कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट टू दिस सीईएन, ठीक है। सो सारे के लिए कॉमन है स्टेज 1, 90 मार्क्स का क्या है, 90 मिनट्स का क्या होगा आपका टाइम होगा, और 100 क्वेश्चंस होंगे आपका, मतलब क्या है लेवल कैसा होगा, एसएससी जेईई जैसा ही होगा। एसएससी जेईई अच्छे से प्रिपरेशन आपने कर रखा है, पेपर दिया है, तो भाई आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा, सो इसमें क्या क्या सिलेबस रहते हैं देख लीजिए, मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, अवेयरनेस का सिलेबस, साइंस का सिलेबस। बच्चे कहाँ फंसते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जो टेक्निकल बच्चे होते हैं वो इन जनरल फंस जाते हैं यहाँ पर, ये निकालते हैं भाइयों, और कुछ बच्चे यहाँ पर ही फंसते हैं, इसलिए कोर्सेस हम लॉन्च करते हैं इसके बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे आप जो सब्जेक्ट वाइज क्या है, जनरल साइंस का जो आपका वेटेज है काफ़ी अच्छा है, 30 है, मैथ्स के बराबर है, बाकी अवेयरनेस में 15 है, रीजनिंग में 25 है, टोटल कितने हैं 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 90 मिनट्स केवल टाइम है, दिस इज द गेम, ये गेम है मेन, ठीक है। इसका टेस्ट सीरीज आएगा, बड़ा टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज देंगे आपको, मजा आ जाएगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बायलिंगुअल होगा इसका टेस्ट सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में है, सीबीटी 2, अच्छा कितना परसेंट चाहिए होगा अगर आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, यू आर मतलब जनरल 40%, ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी 30%, एससी 30%, एनएसटी 25%, वो एलिजिबल। सेकेंड स्टेज एग्जाम क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि फर्स्ट स्टेज में आप पास करेंगे तभी सेकेंड स्टेज में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल आएगा, अब गेम थोड़ा सा चेंज होगा। टेक्निकल में देखो, नॉन टेक में वही रहेगा लगभग, थोड़ा चेंजेस है,
बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 10th स्टैंडर्ड. यहाँ पर बायोलॉजी इंक्लूड नहीं है, बट यहाँ पर क्या था, इधर आप देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी था पहले में, सेकेंड में बायोलॉजी नहीं है. ओके जी, ठीक है. कंप्यूटर वाला पढ़ेंगे आप यहाँ पर. बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ये आपका नया है. टेक्निकल एबिलिटीज आपके पास आ गए यहाँ पर. टेक्निकल में क्या क्या सिलेबस होगा आपको बताऊंगा मैं. उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड जनरल एनालिसिस, तो यहाँ पर देखोगे जो आपका मार्क्स क्या आएगा, ये चार पार्ट से होंगे. कितना, एक 50 नंबर का. टेक्निकल कितना होगा, 100 होगा. 50 नंबर है किसमें, जीके में आपका 15, फिजिक्स केमिस्ट्री 15, कंप्यूटर 10, एनवायरमेंट 10, बाकी हो गया 100. 120 मिनट में से 150 क्वेश्चन आएगा, मतलब इधर चाहिए मुंह जवानी आंसर, तभी बात बनेगा. कट ऑफ कितना जाएगा सर, कितना एक्सपेक्ट करते हैं कट ऑफ. देखो कट ऑफ टोटली डिपेंड करता है दो फैक्टर पर, बच्चे कितना एफर्ट डाल रहे हैं, कितना अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा आया, बस दो ही चीज पर. डेफिनेटली नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं वो तो है, बट ये मेन दो फैक्टर्स है. बट मेरे को लगता है पहले जो 100 नंबर का कट ऑफ जाएगा जनरल वालों के लिए 70 से 80 के बीच में, और इसमें कितना जाएगा कट ऑफ बता देता हूँ, 120 से 130 के तक जाएगा जनरल वालों का. उसके अकॉर्डिंग नीचे कर लो आप, ठीक है. ओके, सो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी फिर वही सेम है यहाँ पर. एंड दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी मे बी रिलैक्स बाई 2% फॉर PWBD कैंडिडेट्स. ओके ठीक है, 2% दे सकते हैं. वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर ड्यूरिंग सेकेंड CVT. कोई फायदा नहीं है भाई, एक कैलकुलेटर यूज करना चाहोगे टाइम भाग जाएगा. 100 मिनट में 150 क्वेश्चन है, कहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे, बाद में सॉल्व करना, वो पहले बता देता हूँ, पहले फटाफट करना है काम. तो भाई साहब देखो कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं. यहाँ पर एक खास उन्होंने बोला है, सारे ब्रांचेस को लगभग एलिजिबल कर दिया है. ये मैकेनिकल एलिट इंजीनियरिंग है, आप यहाँ पर देखिए, कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ एवॉल्व डिसिप्लिन वो एलिजिबल है. तो भाई सारे एलिजिबल हो गए इस चीज में. इलेक्ट्रिकल में देखो ये एलिजिबल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसके सब स्ट्रीम सारे एलिजिबल हैं. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारे एलिजिबल हैं, देख लीजिए यहाँ पर कंप्यूटर वाले को एलिजिबल है, सारे एलिजिबल है. सिविल में ये सिविल, कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, BSc इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशन, ये सारे एलिजिबल है. तो यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया क्या हो गया, देखो 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एलिजिबल है, 3 साल का डिप्लोमा, और बैचलर्स ऑफ डिग्री, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग जो है आपका, ये एलिजिबल है. मतलब बीटेक और डिप्लोमा दो सेक्टर के, क्षेत्र के लोग एलिजिबल हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एलिजिबल हैं इसमें, ठीक है. समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर. ये सेल्स के लिए इतना कॉल आता है क्या बताऊँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये सब पहले ही उसको म्यूट कर देता हूँ. अब आगे बात करते हैं जो हमारा केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर, इसका क्या है आप देख लीजिए यहाँ पर, बिकॉज इसमें कितना सीट्स हैं यार, किसमें इसमें बात करें आपको, ठीक है. नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा यहाँ पर डेफिनेटली, ये तो आपको पता ही, फॉर्मूला सेम यूज़ करते हैं सब जगह पर. तो कभी कभी मार्क्स बढ़ता है, कभी कभी घटता है, वो डिपेंड करता है कैसा पेपर आया है और कितने बच्चों ने अपीयर दिया उसका मैक्सिमम मार्क्स. तो कहाँ पर जाना है आपको ये सब काम करने के लिए, मेन देख लीजिए वेबसाइट्स जो है आपका, ये सारे RRB के वेबसाइट्स हैं जो उनके अकॉर्डिंग उसमें जा सकते हैं आप. उसके बाद क्या है, अब कौन कौन से मीडियम के क्वेश्चंस आएंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है. बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं सर मीडियम बताओ. देखो 13 रीजनल लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस में पेपर होगा, जैसे आसामीज में होगा, बंगाली में, गुजराती में, कन्नड़ में, इसके बाद कोंकणी में, कोंकणी कहाँ का भाई मेरे को पता नहीं, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारे अकॉर्डिंग होंगे, ये सारे लैंग्वेज में पेपर होगा. इंक्लूडिंग क्या होगा, डिस्प्लेड इन द लैंग्वेज ऑप्टेड इन इंग्लिश, सो CVT क्वेश्चंस विल बी डिस्प्लेड इन द लैंग्वेज ऑप्टेड एंड इन इंग्लिश. तो यहाँ पर हिंदी कहाँ गया भाई, अच्छा हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा, ये तो होगा. ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या गया, मॉडिफिकेशन वाला बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, 250 रुपये देना पड़ेगा क्या, अच्छा हाँ 250 रुपये देना पड़ेगा भैया मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो मॉडिफिकेशन के चक्कर मत पड़ना पहले बता देता हूँ. अच्छा इनवेड ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने सिलेबस आपको दिखाना है अब, थोड़ा सा जो टेक्निकल सिलेबस थोड़ा सा आपके पास रहता है,
अपर अनफेयर ये सब ठीक है, मिसलेनियस डिसेबिलिटीज़ वाला ये है, ये तो पढ़ लेंगे आप मुझे पता है। सो यहाँ पर बीटेक का सिलेबस जो टेक्निकल सिलेबस कहाँ पर है, ये टेक्निकल सिलेबस शायद रिलीज़ करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पर तो ये इतने हैं देखो, 74 को इसमें शीट्स है, सारे शीट्स को पढ़ना पड़ता है भाई, है ना। उसके बाद डिक्लेयर फैक्ट्स है 33 नंबर, ये सिलेबस है, डेफिनेट ये सिलेबस है। सिविल वालों का सिलेबस देख लीजिए टेक्निकल, ये सारे आप सिलेबस हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक से लेके बिल्डिंग ड्राइंग कंक्रीट टेक्नोलॉजी सर्वेइंग कंप्यूटर डिज़ाइन, ठीक है, ये सारे आपका 19, 19, 20, 21, 24 को इसके पास क्या है आपका पार्ट्स है। ये इलेक्ट्रिकल के सिलेबस हैं, बेसिक कंसेप्ट से लेके सिंक्रोनस मैचिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग एनर्जी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सिलेबस है। उसके बाद मेरे को लगता है कॉपी पेस्ट कर दिया एसएससी जेईई वाला, उसके बाद या फिर पुराने वाला डाल, ये पुराने वाला ही है जितना मेरे को याद। इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लीजिए, ये सारे सिलेबस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये मैकेनिकल का सिलेबस है, मैकेनिक्स मटेरियल साइंस एंड द मटेरियल मशीनिंग वेल्डिंग ग्राइंडिंग फिनिशिंग मेट्रोलॉजी फ्लूइड मैकेनिक्स इंडस्ट्री मैनेजमेंट थर्मल इंजीनियरिंग, ये आपका है। और उसके बाद सीएमए एग्जाम का सिलेबस ये रहा आपका, ये हीट साउंड सीएमए का जो एग्ज़ाम है उसमें 17 को वैकेंसी, उसके बारे में क्या बात करूँ। फिर सिलेबस फॉर केमिकल मटेरियल सुपरवाइजर एग्जाम, ये वही है 17 वैकेंसी के लिए आपका ये एग्ज़ाम है, ठीक है, समझ गए। अब आता है हमारे पास पोस्ट, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे आप मैकेनिकल का ये है, उसके बाद मेट्रोलॉजी का ये है, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या चाहिए वहाँ पर देखो, उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए क्या चाहिए वहाँ पर देखिए, फिर इंजीनियरिंग इस तरह का पोस्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे कुछ इंजीनियरिंग में सिविल होगा, कुछ इलेक्ट्रिकल होगा, कुछ वह सारे को मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रॉनिक्स को सबको एलिजिबल कर रखा है, तो ऐसा भी आपको मिलेगा। और मैकेनिकल में देखेंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर इस तरह कहानी है। पर यहाँ पर देखोगे जैसे इलेक्ट्रिकल में देखेंगे आप, इसमें भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सब एलिजिबल है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है ना, इसमें ब्रांचेस का ज़्यादा फर्क बच नहीं जाता है, खाली कुछ को छोड़ के। जैसे यहाँ पर देखो आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल क्या है, देखो मैकेनिकल भर सकता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे भर सकते हैं, सारे एलिजिबल है। तो ये फायदा मिलेगा बहुत सारे ब्रांचेस को, और बहुत सारे ब्रांचेस को नुकसान भी है समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन चलो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास फॉर्म भरने का और अच्छा मार्क्स लाने का, तो ये आप समझ पा रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर कौन सा जोन सिलेक्ट करें, देखो यार जोन अच्छा सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए, और जोन ऐसे बात सिलेक्ट कर लेना कि भाई उधर जाओ ही मत आप, ऐसे जोन आप सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर हो भी जाता है फिर जाते नहीं आप, ऐसे हुआ है मेरे साथी के साथ, वो ऐसे जोन सेलेक्ट किया उसके घर वालों बोले नहीं भाई इतना दूर हम नहीं भेजेंगे तो यहीं पर जो करना है कर, फिर वो बंदा किसी और एग्जाम को क्रैक कर लिया, उस सरकारी नौकरी उसको करना था तो फिर उसमें चला गया वो, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। मैंने जब क्रैक किया था भाई मैं कुछ उटपटांग जोन नहीं क्रैक, मतलब जो मेरे को जाना नहीं था, मेरे घर के पास ही मैंने जोन सेलेक्ट किया था, रांची सेलेक्ट किया था, तो मेरा ALP क्रैक हुआ था, ASM क्रैक होता, लेकिन JEE का पेपर मैंने JEE का पेपर दिया नहीं है, RRB JEE का पेपर, ठीक है, बिकॉज उस टाइम मेरे दिमाग में था कि भाई साहब ये करना नहीं है हमारे को। तो ये जोन वाइज आपका वैकेंसी आता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बेस्ट जोन, मतलब कौन से जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हम देखेंगे। अहमदाबाद में 149 वैकेंसीज है, अजमेर में कितना वैकेंसी है देखते हैं 268, बेंगलुरु में कितना है 174, भोपाल में कितना वैकेंसी है आपका 239, भुवनेश्वर में 76, बिलासपुर में कितना है 238, चंडीगढ़ में कितना वैकेंसी है 150, अच्छा जोन मानता हूँ इसको मैं, अच्छा जगह है रहने के लिए। चेन्नई में कितना वैकेंसी है आपका देखोगे 274, गोरखपुर में कितना वैकेंसी है आपका देखेंगे 108, गुवाहाटी में कितना वैकेंसी है देखेंगे 93, जम्मू श्रीनगर में कितना वैकेंसी है 125, कोलकाता में कितना वैकेंसी आप देखेंगे यहाँ पर कहाँ गया भाई 320 वैकेंसी है। उसके बाद मालदा में कितना वैकेंसी आप देखेंगे 74, मुंबई में कितना वैकेंसी आप देखेंगे कहाँ गया भाई मुंबई 596, सबसे वैकेंसी अब तक मुंबई में है। मुजफ्फरपुर में 4 वैकेंसी, पटना में कितना वैकेंसी है 95, प्रयागराज में कितना वैकेंसी है अब देखो 213, रांची में कितना वैकेंसी है 70, सिकंदराबाद में कितना वैकेंसी है 248, उसके बाद सिलीगुड़ी में 17, त्रिवेंद्रपुरम में कितना वैकेंसी है आपका 45। तो ये सारे वैकेंसीज हैं जोन वाइज, कौन सा बेस्ट जोन है ब्रांच के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको मैं, दूसरा वीडियो आएगा। इतने वीडियो में लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, कल लॉन्च करेंगे कोर्सेस दोनों
टेसरीज और पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स आपका हो गया 400 में, टेसरीज 200 का, इंडिविजुअल कोर्स 300 का, इस तरह का चलेगा, बहुत एफोर्डेबल और सबसे सारा पूरा कंप्लीट सिलेबस। सीवीटी 1 की बात कर रहा हूँ मैं, सीवीटी 2 का तो आएगा, बात करेंगे फिर। ठीक है, इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।